नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चैनल पे। आज हम लोग आज के सीरीज में जाएंगे, 28th है, 29th को आज देखेंगे कि मैंने क्या 5 शेयर बाई किए हैं। आपको जैसे पहले भी बताया है, मेरा ये वीडियो नॉर्मली आपका 3 पार्ट में बटा रहता है, जिसमें मैं एक पार्ट में पहले एक्सेल शीट दिखाता हूँ जिसमें 5 शेयर जो मैंने चूज किए हैं, जो मैंने आज बाई किए हैं। पहले बाई करने के बाद ही मैं वो वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने आपको जस्ट रिकमेंड कर दिया और आप बाई करेंगे। तो मैं पहले बाई करता हूँ, फिर उसको मैं ऐड करता हूँ एक्सेल शीट में और उसको फिर एवरेज आउट करके आपको दिखाता हूँ कि अभी तक का मेरा पोर्टफोलियो कहाँ तक पहुँचा है। तो अभी जैसा मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट डे जब मैंने 27th को किया था, तो 27th को आपको सब स्टॉक नए थे जो मैंने कभी नहीं लिए थे, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी जो स्टॉक मैं ले रहा हूँ, यानी कल जैसे ONGC लिया, रिलायंस लिया, बर्जर पेन लिया, आइडिया लिया, कोफर्ज लिया, ये सब स्टॉक मेरे पास पहले से पड़े थे। तो कल जब मैंने ऐड किया था तो आपको दिखा कि मैं वो क्वांटिटी बढ़ गई थी। तो आज भी सेम करेंगे, हमारे आज के एनालिसिस के हिसाब से जो 5 शेयर आए हैं जो आज मैं बाई कर रहा हूँ, वो रिपीट नहीं हुए, ऊपर के 10 में से कोई भी रिपीट नहीं हुआ, सब नए हैं और वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलते हैं, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में रिपीट है डेफिनेटली, वो काफ़ी उसमें से काफ़ी कुछ निगेटिव हैं, जो फिर भी आई हैव नो प्रॉब्लम। और जो मैं कहता हूँ कि 10% तक हम लोग बना के देखेंगे और देखेंगे कि 10% कितने दिनों में बनता है। इस बार पिछली बार 52 डेज में था, इस बार देखते हैं कि कितने दिनों में हमें 10% कमाई हो पाती है, हमारा पोर्टफोलियो कब 10% पे पहुंच जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे यही है कि ये पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है और मैं इसमें वही एडवाइस देता हूं जो मैंने खुद इन्वेस्ट किया है। बाकी आप इन्वेस्ट करने से पहले आपका पैसा है, आप उसका देख लें कि आपको कैसा है, क्योंकि आपकी मनी है तो आपको खुद भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको खुद सीखना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आप दूसरों के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर सकते। आप इसे कमाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी, आप उसको ज़रूर अप्रिशिएट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके, और आप अपना कमेंट्स भी डाल सकते हैं आपके थॉट्स। अगर मैंने जो 5 शेयर बता रहा हूँ, अगर उसमें भी आपको कोई लगता है कि ये शेयर अच्छा है, इस शेयर में जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए, वो भी हमेशा वेलकम है, क्योंकि आपसे हम भी सीखते हैं, एक दूसरे से हम सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज देखते हैं आज पहला शेयर मेरा कौन सा है। पहला शेयर मेरा है HDFC, जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही था, और पहले भी उसने जब मर्जर की बात आई थी तो अच्छा खासा 20-15% प्रॉफिट दिया था। और HDFC को देखते हैं कि आज 29 जून को मैंने 4 क्वांटिटी खरीदी है 2178 प्राइस में। देखिए यहाँ पे जो 2178 प्राइस है, वो जब आप अंदर मेरी एक्सेल शीट पे जाएंगे जहाँ पे मैं पूरे पोर्टफोलियो को दिखाता हूँ ऐड करके, तो वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ एवरेज प्राइस डालता हूँ। तो कोई इशू नहीं है, आप उसको बाद में ऐड कर सकते हैं। तो दूसरा शेयर है मेरा वेदांता, इसलिए क्योंकि आज के टाइम पे एनर्जी की बात हो रही है, वेदांता सबसे बड़ा स्कोप रखता है एनर्जी में, वो एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चल रहा है ना इशू, कि इलेक्ट्रिसिटी कार आनी चाहिए, सब कुछ पावर होना चाहिए, तो उसमें वेदांता बहुत आगे पहले से निकल चुका है। तो आप उसके हिसाब से वेदांता एक गुड बाई है, बट डेफिनेटली मेरा ये ओरिजिनल पोर्टफोलियो काफ़ी निगेटिव है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो वो भी 4 शेयर आप कह सकते हो 231 का भाव में मुझे मिला अप्रॉक्सीमेटली, और मैं बाइंग प्राइस भी दिखा दूंगा कि किस प्राइस पर मुझे आज मिला है और मेरे पास पुराना कितना शेयर है। तो तीसरा मेरा स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो टायर, ये अपोलो के तीनों स्टॉक मेरे पास पड़े हुए हैं। अपोलो हॉस्पिटल आज मैंने बाई किया है 29 जून को, और ये आप देख सकते हैं 3781 की प्राइस में है। इसके साथ ही हम लोग नीचे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे बाकी शेयर कौन से हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, नहीं तो पता चला कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। चौथा है मेरा शेयर वेलस्पून इंडस्ट्रीज, काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रीज और अच्छा रिटर्न की है, अभी उसने डिविडेंड भी दिया था, और आपको पता है कि मैं डिविडेंड का कोई स्टॉक देता है तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, इमिडिएटली ऐड नहीं करता हूँ, बट उसकी रेटिंग एक तरह से एक नंबर बढ़ा के रख देता हूँ कि वो आगे वाले दिनों में मेरे पोर्टफोलियो में मैं बाई कर सकूँ, क्योंकि उसने मुझे दिया तो मुझे भी उसको देना पड़ेगा ना बाई। तो आज भी इनकी वेलस्पून की 3 क्वांटिटी खरीदी है, 70 रुपये का ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है, बट अच्छा स्टॉक है, आप हमेशा ले सकते हैं थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट करके। और पांचवा मेरा स्टॉक आज का है, गेस करेंगे अब क्या होगा, चलिए कोई बात नहीं चलते हैं, एशियन पेंट बेस्ट। कल मैंने बर्जर पेंट दिया था और आपको उसका एनालिसिस भी दिखाया था। अब आज के दिन में मैं एशियन पेंट ले रहा हूँ 3, ये मेरे पास पहले भी था और ये आगे भी रहेगा और आगे भी बाई करूँगा, सबसे सही स्टॉक है, काफ़ी अच्छा जा रहा है, निफ्टी 50 की लिस्ट में आता है और ये आगे चलेगा, और 8067 में टोटल हो गए स्टॉक। अगर इसमें निफ्टी 50 की बात करेंगे तो HDFC और एशियन पेंट है, तो ये एनी टाइम बाई स्टॉक रहते हैं। बाकी 5 स्टॉक तो मैंने आपको सामने बाई कर लिए हैं,
और ये आपको दिखा भी रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि आप ये 5 स्टॉक करके अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएं तो आप यहाँ पे वीडियो स्किप कर सकते हैं, या फिर आप एक्सेल शीट में देखना चाहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो कैसे काम कर रहा है तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। उसके बाद लास्ट में मैं किसी भी एक स्टॉक को आज जो मैंने बाय किया उसमें से कोई उठाऊंगा और उसके मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें। देखिए मेरे 10 से 20 क्राइटेरिया हैं मिनिमम, जबकि मैं आपको जो जीरोधा में दिखाता हूँ आपको जब उसका टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ तो वो मैं 5-10 क्राइटेरिया पे बात करता हूँ। तो कई चीज़ें होती हैं डेफिनेटली, वो आप भी सीखेंगे खुद से। तो डेफिनेटली आज चलते हैं अभी पोर्टफोलियो पे देखते हैं। पोर्टफोलियो पे पहले तो मैं इनको टोटल इन्वेस्टमेंट लेटेस्ट ट्रांसफर प्राइस इनको मैं क्या करूँ, करेक्ट ना, आपको दिख रहा होगा कि आज क्या हुआ है। ग्लास्को स्मिथ, चलो पॉजिटिव देखते हैं, पहले फिल्टर लगाते हैं, इसमें फिल्टर नहीं लगाया मैंने। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि पॉजिटिव कौन सा है, सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन सा है, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा स्टॉक आपका क्या परफॉर्म कर रहा है, कौन सा किधर पहुँचा है। अब नेट चेंज में आप देखेंगे तो ये मैंने चेंज कर दिया है, तो अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा 42% निगेटिव। वाह, देखते कौन से भाई साहब हैं, वेदांता जिसको आज मैंने ऐड किया है। तो मेरे पास ये पहले से, अगर आप देखोगे, अब ये स्टॉक बढ़ा देता हूँ साइज, वेदांता मेरे पास पहले से 9 क्वांटिटी, जो आज जबकि आपने देखा कि मैंने 3 क्वांटिटीज की बाई की है, तो 3 क्वांटिटी बाई की है और 6 क्वांटिटी पहले से थी, और एवरेज प्राइस 321 का है, जबकि जो कि आज मैंने जब बाई किया है वेदांता, आप देख सकते हैं कि 231 में बाई किया था, यानी कितने महंगे पे मेरे पास ये शेयर पड़ा हुआ था, 231 पे, करेक्ट। तो चलो मैच कर लेंगे, फिर भी एक बार मैं इसको रीचेक कर लूंगा, लेकिन ये टोटल है तो -40% तक का निगेटिव जा रहा है मेरा ये स्टॉक। और वहीं पे हम ये देखते हैं कि किसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। अब पॉजिटिव तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सा पॉजिटिव है, तो हम इसको डाउन जाते हैं और देखते हैं कि किस स्टॉक ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा। वाह, 3 स्टॉक दिखाता हूँ जो पॉजिटिव चल रहे हैं, जो मैंने खरीदे हैं इस सीजन में। देखिए अगर आप गेस कर सकते हैं ये कौन सा स्टॉक है, बहुत ही सस्ता स्टॉक था, मैंने इसको बोला भी था कि इसने मुझे 70% तक का रिटर्न दिया था, और ये मैं जो पहले दिन ही मैंने पिक किया था, और तो दो दिन हो गए, यानी ऑब्वियसली ये तीनों स्टॉक जो पॉजिटिव हैं तीनों पहले दिन है, जो मेरे पास नहीं थे, ज्योति लैब है, महिंद्रा है, महिंद्रा एम आर पी एल है, कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एम आर पी एल दोनों पे मैं पहले ही प्रॉफिट बुक करके रख चुका था, और जब वो निगेटिव हुए थे तो मैंने इनको फिर से बाई करने की कोशिश की थी, और आप देख सकते हैं इन्होंने अच्छा रेट, कल महिंद्रा महिंद्रा 3% एक्चुअली अप था, आज थोड़ा डाउन हो गया इसलिए आपको 2.64 दिख रहा है, बट एक्चुअली महिंद्रा महिंद्रा कल 3% अप हुआ था, जिसमें आप कई लोग, मैंने नहीं बोला था कि 3% में वो खेलते रहते हैं, 3% ऊपर जाते हैं 3% नीचे जाते हैं, तो अगर आपने खरीदा हुआ स्टॉक, मतलब मान लो मेरे रिकमेंडेशन पूछे से मैं खरीदा और वो 3% प्रॉफिट आप बेच भी सकते थे, बट मैंने बोला कि इस बार मैं 10% तक जाऊँगा। सो मैंने MRPL को अभी, इसको जैसे आपने देखा कि 10% डन है, राइट, तो अभी मैं इसको बेच तो नहीं सकता, 40 रुपये ही में जो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला है कि बेचना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं अभी डायरेक्ट मैं बेचता नहीं हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं GTT लगाता हूँ जीरोधा में, GTT मतलब जीरोधा में GTT लगा दिया तो मेरे स्टॉक हो जाते हैं जो जब उस टारगेट पे पहुंचेंगे तभी बिकेगा। GTT आप देख सकते हैं कि मैंने GTT लगाया है जीरोधा पे, और अभी भी जब लगाया तो वो 2% ऊपर चला गया है MRPL, तो मैं ऑलरेडी इन पे लगा चुका हूँ। और आज की जो पोर्टफोलियो थे मैंने आपको बताया था कि अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, HDFC, VDL, वेल्सपून, तीनों मेरे पास ये थे, ये 5 मैंने आज खरीदे हैं, और अभी आप करंट इनका सिनेरियो देख सकते हो कि इनके प्राइस में थोड़े बहुत चेंजेस भी हुए हैं, बट उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, और पुराने आप देख सकते हो कि ये पूरे स्टॉक थे। GNFC जिसने 10% पहले दिन जंप किया था वो आज -3% गया हुआ है, तो डेफिनेटली, और MRPL आज ही के दिन में, कल करीबन 10% बढ़ा था और आज 9% बढ़ा है, तो टोटल 2 दिन में उसने करीबन उतना बड़ा जंप लिया है, वापस चला गया था, लेकिन वही होता है कि आप अभी 8% शाम तक वो शायद 5% आएगा, फिर वापस बढ़ेगा 8%, 6% नीचे आएगा, तो ये चीज़ें होती, मोस्टली स्टॉक आप देख सकते हो कि निगेटिव है, तो मार्केट भी डाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है चलेगा। तो यही था आगे, और आज हम देखते हैं कि किसका हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, आपको किसका चाहिए आज के टाइम पे। चलिए VDL का ही कर लेते हैं, क्योंकि VDL का मैं फंडामेंटली आपको बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। VDL का अगर आप देखोगे, वेदांता मटेरियल्स में है, मेटल्स एंड डाइवर्सिफाइड है थोड़ा सा, या अगर आप देखेंगे 1 मंथ का रिटर्न 23% है, 1 ईयर का रिटर्न -12% है, करेक्ट।
सो 1 month का 12% है, तो ये अब भी डाउन हुआ है काफी, और मैं इसको अभी डिटेल एनालिसिस करता हूँ। बट CAGR अगर आपने देखा होगा तो 12.75 चल रहा है, जो कि नॉट ए बैड रिटर्न है। अगर पर ईयर आप देखोगे तो वो 12% के करीब का रिटर्न दे रहा है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ 232% है, और ये पीछे बहुत ही डाउन गया था, आप देख सकते हैं ये वन वीक का रिटर्न है, -2.1 month का रिटर्न, 1 year का रिटर्न 11.5 years का रिटर्न देखने के लिए निगेटिव ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। इसी में आप एक्चुअली बनाते हैं पैसा, जो स्टॉक इतना ये ऐसा करता है ना, करेक्ट, इसमें ही हम पैसा बनाते हैं जैसा मैं बोला है। लेकिन अगर आप देखोगे 2000 में जब रिलीज हुआ था तो ये 1 रुपए का स्टॉक था, और आज देख लो 1 रुपए का स्टॉक मैक्सिमम 421 तक गया था, यानी अगर आपने 1 रुपए खरीदा होता तो 400 रुपए बन गए होते, 1 लाख डाले होते तो 4 करोड़ बने होते। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी आप लेट नहीं हो, काफी नीचे है, 234 है, और आप देख सकते हो कि जब 4 अप्रैल 2022 में, यानी अप्रैल से लेके अभी तक के प्राइस में वो हाफ पे आ गया, आपको 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो क्यों नहीं बाई करेंगे। इवेंट्स में जाते हैं, कुछ खास है नहीं। इविडेंट करेंट डिविडेंड यील्ड इज 19.22 एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 रुपीज विल गिव यू 192 पर ईयर। बुरा नहीं है, डिविडेंड भी अच्छा मिल रहा है आपको। अब इसके पास डिविडेंड इन्होंने दिए हुए हैं ऑलरेडी, और ये बढ़ाते ही जा रहे हैं इनके डिविडेंड, कोई दिख अच्छी खासी डिविडेंड दी है और बढ़ाई भी है। डिविडेंड पर शेयर देखिए 31 पॉइंट, यानी इनका स्टॉक डाउन गया है पिछले 1.5 साल में, लेकिन इन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने अच्छा खासा उस पर पैसा देते गए हैं। न्यूज पे बहुत न्यूज रहती हैं, GSW वेदांता 29 सबमिट बिड्स इन द कमर्शियल कोल माइंस ऑक्शंस, ठीक है, GSW वेदांता ये वही सेम न्यूज है, बिड्स कमर्शियल ऑक्शन है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेदांता 30th कमर्शियल सैड डे फॉर आवर इंडियन बिजनेस कम्युनिटी, वेदांता अनिल अग्रवाल ऑन पालोनजी मिस्त्री पासिंग। वेदांता अप्रोचेस LIC टू रेज ₹50 करोड़, ऑल्सो लुकिंग टू रेज 2000 करोड़ वाया बॉन्ड्स। वेदांता रिसोर्सेज अर्जेस जाम्बिया टू हॉल्ट सर्च फॉर न्यू KCM इन्वेस्टर। वेदांता एक्सपर्ट्स 1.25% टोटल एंड GST काउंसिल। वेदांता का आप और भी अंदर जाइए और मुझे बताइए कि वेदांता और किस चीज़ों में, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक का बताया था, बट आप भी पता करके मुझे बताइए कि और किस चीज़ों में ये इन्वेस्ट कर रहा है। ये जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप हमेशा देखिए कि इनका लोगों का इन्वेस्टमेंट का कैसा चल रहा है होल्डिंग्स में, तो अब हम देखते हैं कि होल्डिंग्स में कैसा है। टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर्स होल्डिंग ने सेम रखी है जो पिछले साल थी, इस साल भी उन्होंने सेम रखी है। अभी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में देखेंगे तो बढ़ा है, आप देख सकते हैं कि 1.17 था 1.93 आ गया है, डेफिनेटली 0.80 बढ़ा है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। डोमेस्टिक में देखेंगे तो वो भी 0.02 बढ़ा है, लेकिन वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट बढ़ा है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखें तो ये भी बढ़ा है, लोगों के इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं, अभी बढ़ रहे हैं लगातार। रिटेल के इन्वेस्टर घटे हैं क्योंकि रिटेल को भी पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, वेदांता कहाँ जा रहा है। लेकिन आप अगर देखेंगे पॉजिटिव साइन यही है कि चारों, मतलब म्यूचुअल फंड, फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर, तीनों ने अपना नंबर्स बढ़ाया है वेदांता में, यानी उनको होप दिख रही है कि वेदांता कहाँ लेके जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि क्या हो रहा है स्टॉक में। अभी पीर्स में देखते हैं, वेदांता है, NLC है, मिश्रा धातु है, निगम है, आशापुरा मिशिकन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा डिविडेंड 19.22% वेदांता ही देता है। मुझे डिविडेंड वाले स्टॉक बहुत पसंद है क्योंकि एवरीडे आपके इस बैंक अकाउंट में पैसा आता रहता है, जो आपके लिए खर्चा का भी काम करता है, राइट। कब कोई स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर आपके अकाउंट में वहां से पैसा आ रहा है तो आपको उस स्टॉक को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं आगे, अब देखते हैं कि बाकी लोग क्या करते हैं। फाइनेंशियल तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप चेक कीजिए, इस पर मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं करना चाहता, इसमें बहुत चीज़ें होती हैं। फोरकास्ट देख लेते हैं, फोरकास्ट क्या बोलता है, 73%। सो मैच कर गया, यानी मैंने बाय किया है, उन्होंने भी बाय किया है, और 15 एनालिस्ट कह रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि ये बढ़ेगा ही। तो फोरकास्ट में आपको दिख गया है कि ये क्या बोल रहे हैं, 73% एनालिसिस बोल रहे हैं कि इसको बाय करना चाहिए। जैसे कल बर्जर पेंट का आपको याद होगा तो कल के बर्जर पेंट में 12% फोरकास्ट था, बट फिर भी मैंने बाई करने के बाद ही आपको बताया था कि आप बाई कर सकते हो, और आज देखेंगे कल बर्जर पेंट्स था, आज एशियन पेंट्स है। कई बार ऐसा होता है कि हमें उस इंडस्ट्री के कुछ स्टॉक लेके रखने चाहिए जो इंडस्ट्री आगे ग्रो करने वाली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट काफी इंडिया में चल रहे हैं, प्लस अभी फेस्टिवल सीजन भी बारिश के बाद शुरू हो जाएगा, जिसके कारण इनके स्टॉक्स बढ़ने ही हैं। तो ये ऐसा नहीं कि आज का है, मैंने 300 डेज बोला है, तो डेफिनेटली उस टाइम तक ये अपना 10% करके ये तोड़ देंगे सब कुछ रिकॉर्ड। सो आप जरूर ले लीजिए,
और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। आगे मिलते रहेंगे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको तुरंत का तुरंत ये मिल जाए स्टॉक के बारे में, क्योंकि जब मैं यहाँ पे बाई करता हूँ तो अगर आप उसी एक घंटे दो घंटे में, यानी जब देखिए बाई मैंने 9:20-9:25 पे कर लिया था, तो अगर आपको वो चाहिए तो टेलीग्राम दिया हुआ है अगर, और पर्सनली भी आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं तो मैं आपको 5 शेयर का लिंक आपको दे दूंगा आपके ग्रुप में, मुझे मेरे ग्रुप में ऐड कर लूंगा और 5 शेयर के लिंक उसी समय मिल जाएंगे। लेकिन लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको 1 घंटे बाद मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन फिर भी जब भी आप वीडियो देखें प्लीज इसको बाय कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है, हम इसके लिए कोई भी वो नहीं करते हैं क्योंकि एजुकेशन पर्पज से बना है, बाकी आप लोगों के ऊपर है। इसीलिए मैंने वो बनाना शुरू किया कि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं कैसे अचीव कर रहा हूं, कितना अचीव कर रहा हूं, क्योंकि 5 रिकमेंड कर देना लेकिन उनको पोर्टफोलियो में ऐड किया है नहीं किया है वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो जस्ट फॉर अ ट्रस्ट आई एम गिविंग इट। सो आप देख सकते हैं कि आज के सभी स्टॉक लिए जितने थे सब पॉजिटिव चले गए हैं, जो कि निगेटिव दिख रहे थे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ हो, मिलते हैं फिर कल, थैंक यू।